मॉर्निंग टू ऑल बेटा, आज हम जो हमारा कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ना, चैप्टर नंबर 4 डिवीजन, उसकी हमने वर्कशीट 1 की थी, जिसमें हमने क्या सीखा था कि हम डिवाइड कैसे करते हैं, है ना। और मैंने आपको बताया था कि डिवाइजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है और कोशेंट क्या होता है ना। तो आज हम अपनी वर्कशीट नंबर 2 करेंगे, जिसमें हम ये सीखेंगे कि अगर आपके पास 4 डिजिट का नंबर होता है तो उसको आप सिंगल डिजिट नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब आपको क्या सीखना है कि अगर 4 डिजिट नंबर है तो उसकी डिवीजन एक सिंगल डिजिट नंबर से कैसे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम वर्कशीट 2 है जो आपकी, उसका फर्स्ट सम जो है 7525 को डिवाइड करना है 5 से, वो हम करके देखते हैं। देखिए, अब जो हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड हमारा क्या है, 7525। ओके, इसको हमने डिवाइड करना है 5 से। तो अब 5 क्या है आपका, 5 आपका है डिवाइजर। मैंने आपको कल बताया था ना 5 क्या होता है, डिवाइजर। ये आपका क्या है, डिविडेंड। क्या होता है ये, डिविडेंड। ओके, और अब आपने क्या करना है, जब आप इसको डिवाइड करते हो तो आप क्या करोगे, हाँ जी बेटा, जब आपका डिवाइजर है उसको आप क्या करोगे, डिविडेंड को आप डिवाइजर से क्या करोगे, डिवाइड। तो आपको पहले डिवाइजर का क्या आना चाहिए, टेबल। तो आपको 5 का टेबल आता है, हाँ सबको आता है ना 5 का टेबल, तो हम उस टेबल की हेल्प से इसको डिवाइड करेंगे। अब हमने देखा सबसे पहले ये कितने प्लेसेस का नंबर है, 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस। 1000 प्लेस का नंबर है ना, तो हम सबसे पहले कौन से प्लेस का नंबर लेंगे जो 1000 प्लेस पे, यानी कि 1 डिजिट जो 1000 प्लेस पे है, क्योंकि जो हमारा डिवाइजर है वो भी सिंगल डिजिट का है, तो हम यहाँ से भी सबसे पहले एक सिंगल डिजिट को ही यूज करेंगे। ठीक है, तो अब 7 को हमने देखना है कि क्या जो 7 नंबर है वो 5 के टेबल पे आता है। तो देखो 5 का 10, उसी तरह 5 के बाद क्या आ रहा है, 10 आ रहा है ना। देखो 5 वंस का करते हैं तो 5 आता है, 5 टू का करते हैं तो क्या आता है, 10 आता है। तो पहले 5 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, 7 तो आ ही गया। तो हम क्या करते हैं, हम वो नंबर लेते हैं जो उस नंबर से छोटा होता है। छोटा नंबर कौन सा है, 5 और 10 में से 5, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 5 वंस का 5। ठीक है, हम वो नंबर लेंगे जो छोटा है उस नंबर से। तो 5 ले लिया, तो 7 में से अब हम 5 क्या करेंगे, माइनस। तो क्या आ जाएगा, 7 माइनस 5 2। ठीक है बेटा, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा 100 प्लेस पे जो नंबर है ना वो क्या है, 5 को हम नीचे ले लेंगे जिसके साथ 2 के साथ, तो क्या बन गया वो 25। अब हमने देखना है कि क्या 25 नंबर जो है वो 5 के टेबल पे आता है। देखो आता है कि नहीं आता, 5 5 5 10 5 3 5 4 20 and 5 5 25, तो इस पे आ रहा है 25 5 पे। तो अभी आप क्या लिखोगे, 5 पे, और यहाँ पे आपका 25। आप 25 में से 25 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, है ना। अब आपके पास ऊपर एक नंबर रह गया, क्या नंबर रह गया वो, अब क्या, अब आपके पास क्या नंबर आएगा, 2। तो आप 2 नीचे उतारोगे, ठीक है, बट 2 5 के टेबल पे आता है, नहीं आता, क्योंकि 5 जो है वो 2 से बड़ा है। तो इसीलिए हम एक और नंबर उतारेंगे तो क्या होगा, 5, और उसके लिए हम लगा देंगे 1 0। ठीक है, तो 2 और 5, हमने दो नंबर एक साथ उतारे। जब भी हम 2 नंबर्स को एक साथ नीचे लेकर आते हैं ना, तो उसके लिए हम 0 लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखो 25 5 पे आता है, यस आता है, तो किसके जाएगा, 5। तो क्या आ गया, 25, और आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 0। 25 में से 25 माइनस होगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो अब जो आपका ये आ गया 1505, that is your quotient। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका हुआ quotient। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही आपको 4 डिजिट के जो नंबर्स है ना, उनको ऐसे आपने डिवाइड करना। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का, वर्कशीट 2 के फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है, बाकी पार्ट्स आपको खुद करने हैं। ठीक है बेटा, अब हम वर्कशीट जो 2 है उसके सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, अब हम सेकंड क्वेश्चन का, जो आपका वर्कशीट नंबर 2 है, उसके सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे। जैसे मैं आपको उसका फर्स्ट पार्ट कराऊंगी, ऐसे ही आपको बाकी सम्स भी सेम इसकी तरह करने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में है कि आपको डिवाइड भी करना है, जो आपका सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड भी करना है और अपने आंसर को चेक भी करना है। ठीक है, तो चेक वाला मैंने आपको बताया था ना कि चेक कैसे करते हैं।
पहले हम क्या करते हैं डिवाइड, ठीक है। तो आपका डिविडेंड क्या है 7352, उसको आपने डिवाइड किससे करना है 2 से, तो ये आपका होता है, मैंने कल क्या बताया था कि क्या होता है आपका डिविडेंड, ओके। ये आपका क्या होता है डिवाइजर, ओके। और अब हम इसको डिवाइड करते हैं, तो 2 की टेबल पे आपको इस नंबर को डिवाइड करना है। पहले एक नंबर लेंगे हम, जो हमारे 1000 डेज के वो क्या है 7, तो क्या 7 2 की टेबल पे आता है, एक करके देखते हैं, 2 1 का 2, 2 2 का 4, 2 3 का 6 और 2 4 का 8। अब जब 8 है, 8 तो क्या है 7 से बड़ा है, तो 8 तो नहीं आ सकता, कौन सा नंबर आएगा जो 7 से छोटा होगा, तो 7 से छोटा कौन सा आ रहा है 6, तो हम किससे कट करेंगे इसको, क्या है 6, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, और ऊपर से हम नंबर एक नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 13। अब हमने देखना है कि 13 नंबर 2 पे आकर, तो 2 का टेबल हम आगे करते हैं इसके साथ सॉल्व, 2 5 का 10, 2 6 का 12, 2 7 का 14। अब देखो 13 के नीचे 14 आएगा नहीं, क्योंकि 14 जो है वो 13 से बड़ा है, तो क्या आएगा 12 आएगा, तो क्या आएगा 2 6 का 12, ठीक है। तो 3 में से 2 माइनस होगा 1, 13 में से 12 माइनस होगा तो क्या आएगा 1 आएगा। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, 1 जो है उसके साथ हम तीसरा नंबर नीचे लेंगे वो क्या है 5। आप देखो 15 2 के टेबल पे आता है, देखते हैं यहाँ पे 2 7 का 14 है, 2 8 का क्या बन रहा है 16, तो 16 15 के नीचे नहीं आएगा, क्या आएगा 14, क्योंकि 14 15 से छोटा है, तो ये किस पे कट हुआ 7 पे, 2 7 का 14, 15 में से 14 माइनस होगा तो क्या आएगा 1, और ऊपर से हम लेंगे 2, आप बन गया 12। तो 12 2 के लेवल पे आ रहा है, देखो यहाँ पे 2 के लेवल पे 12 आ रहा है, यस किस पे आ रहा है 6 पे, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 6 लिखोगे और 12 करोगे तो आप क्या हो जाएगा 0, और ऊपर अब आपके पास कोई भी नंबर नहीं है तो इसका मतलब आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर इज योर 0, 0 आपका रिमाइंडर आ गया, ये आपका क्या आ गया, इसको बोलते हैं हम क्वेश्चन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं क्वेश्चन। अब हमने अपने आंसर को चेक कैसे करना, उसके लिए कल मैंने आपको एक फॉर्मूला दिखाया था, वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला आपका ये है, उसको आंसर कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। आपका जो फॉर्मूला होता है आंसर चेक करने का वो क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट, ठीक है, प्लस रिमाइंडर इक्वल डिविडेंड, ठीक है। तो अब आपको पता ही है डिविडेंड क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, आपको सब पता है ना। तो आपका जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट था जिसको अभी हमने डिवाइड किया है, तो डिवाइड करने के बाद आपका जो क्वेश्चन आया वो क्या है 3676, 3676। तो आप क्या करोगे, जहाँ क्वेश्चन है वहाँ लिख दोगे 3676। अब आपको चाहिए डिवाइजर, डिवाइजर क्या आपका 2 मल्टीप्लाई 3676 प्लस रिमाइंडर क्या है आपका 0, और डिविडेंड क्या है आपका 7352। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाती है तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। तो अब आपने क्या करना है 3676 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं 6 टू द 12, 7 टू द 14 प्लस 1 15 कैरी 1, 6 टू द 12 प्लस 1 13 कैरी 1, 3 टू द 6 एंड 1 7, तो आपका क्या आ गया ये 7352 प्लस में 0 इज इक्वल टू 7352। अब मेरे को एक चीज बताओ, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया कि अगर हम 0 को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वापस में क्या होता है, वही नंबर ही आता है ना। तो अब इसमें से अगर 0 इसमें 0 ऐड करेंगे तो क्या होएगा 7352 ही आएगा, तो ये 7352 डिविडेंड की क्या हो गई इक्वल, इसका मतलब आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसका मतलब आपका आंसर जो क्या है वो क्या है करेक्ट आंसर है। अगर ये इक्वल नहीं होते तो आपका आंसर क्या होता रॉन्ग। तो जैसे मैंने आपको सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन करवाया ना, पहले डिवाइड करवाया और फिर आंसर चेक करवाया, ऐसे ही आपने सेकंड के सारे क्वेश्चन करवाए, ठीक है, और करने के बाद मुझे सबमिट भी करवाने हैं, ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।